जय हिंद। आज की इस वीडियो में करेंट अफेयर 2020 की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कौन क्या कहा के टॉपिक से, संवैधानिक पदाधिकारी अभी कौन है, न्यायिक प्रमुख अभी कौन है, संसदीय प्रमुख, निर्वाचन आयोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले संवैधानिक पदाधिकारी, संवैधानिक पदाधिकारी के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आते हैं, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम पे भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, ठीक है, 14वां राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है 14वां, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू है और ये 13वां उपराष्ट्रपति बने हैं। भारत का उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू है जो 13वां उपराष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है जो 15वां प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। 15वां प्रधानमंत्री कौन बने हैं? श्री नरेंद्र मोदी बने हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, भारत 15वां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। और 13वां उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं और 14वां राष्ट्रपति जो है श्री रामनाथ कोविंद है। ये नंबर आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यायिक प्रमुख। न्यायिक प्रमुख के अंतर्गत ये चार आते हैं, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आते हैं, महान्यायवादी आते हैं, महाधिवक्ता और अध्यक्ष एनजीटी का राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष आते हैं। तो अभी भारत के प्रेजेंट टाइम पे मुख्य न्यायाधीश जो है शरद अरविंद बोबड़े हैं। शरद अरविंद बोबड़े जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं और याद रखिएगा 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। प्रेजेंट टाइम पे भारत का न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभी भारत का महान्यायवादी या फिर इसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये के वेणु गोपाल है। महान्यायवादी जो है के वेणु गोपाल है, याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी के वेणु गोपाल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, महाधिवक्ता, भारत का महाधिवक्ता जो है तुषार मेहता है, ठीक है। इसी को सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता है। या महाधिवक्ता कौन है? तुषार मेहता। नेक्स्ट एनजीटी का अध्यक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष जो है आदर्श कुमार गोयल है। या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जो है आदर्श कुमार गोयल है। याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश जो है शरद अरविंद बोबड़े है, महान्यायवादी के वेणु गोपाल है, महाधिवक्ता तुषार मेहता, अध्यक्ष है आदर्श कुमार गोयल, एनजीटी का अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संसदीय प्रमुख को। संसदीय प्रमुख के अंतर्गत राज्यसभा के सभापति आते हैं, उपसभापति, महासचिव, नेता विपक्ष और नेता सत्तापक्ष, ठीक है। और इसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष आते हैं, नेता आते हैं विपक्ष के और महासचिव के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले भारत का राज्यसभा का सभापति एम वेंकैया नायडू है, ठीक है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा का सभापति होते हैं, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे एम वेंकैया नायडू है, इसलिए राज्यसभा का सभापति एम वेंकैया नायडू हो जाएंगे, ठीक है। और उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। याद रखिएगा, भारत का उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महासचिव, राज्यसभा का महासचिव जो है देश दीपक वर्मा है। महासचिव कौन है? देश दीपक वर्मा है। नेक्स्ट देखिएगा, राज्यसभा का नेता विपक्ष, विपक्ष में जो राज्यसभा का नेता है गुलाम नबी आजाद है। गुलाम नबी आजाद जो है नेता विपक्ष है राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेता राज्यसभा के नेता सत्तापक्ष के जो है थावरचंद गहलोत है। थावरचंद गहलोत जो है राज्यसभा के सत्तापक्ष के नेता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष 17वां पर बने हैं ओम बिरला, ठीक है। ओम बिरला जो है अध्यक्ष है लोकसभा के और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला, ठीक है। नेक्स्ट है नेता विपक्ष, लोकसभा के नेता विपक्ष जो है अधीर रंजन चौधरी है। अधीर रंजन चौधरी कौन है? नेता विपक्ष है लोकसभा के, ठीक है। और लोकसभा के महासचिव कौन है? सनी लता श्रीवास्तव। ये पहली महिला बनी है लोकसभा के महासचिव, सनी लता श्रीवास्तव, ठीक है। सनी लता श्रीवास्तव कौन है? महासचिव है लोकसभा के, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चुनाव आयुक्त और उप चुनाव आयुक्त आते हैं, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है सुनील अरोड़ा है और याद रखिएगा ये 23वां है, ठीक है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है सुनील अरोड़ा है और ये 23वां नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त अभी भारत में दो लोग हैं जिसमें पहले राजीव कुमार और दूसरा सुशील चंद्र है। ठीक है, राजीव कुमार और सुशील चंद्र जो है चुनाव आयुक्त है। ठीक है, दूसरे देखिए उप चुनाव आयुक्त। उप चुनाव आयुक्त अभी प्रेजेंट टाइम में तीन लोग है, इसमें उमेश सिंह, चंद्रभूषण कुमार और सुधीर जैन। याद रखिएगा उमेश सिंह, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन क्या है, उप चुनाव आयोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंतर्गत कैग आते हैं और सीजीए आते हैं। ठीक है, कैग और सीजीएस, कैग को कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम पे गिरीश चंद्र मुर्मू नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 14वां बने हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू याद रखिएगा। और महालेखा नियंत्रक जो बने हैं सोमा राय वर्मन। सोमा राय वर्मन जो है महालेखा नियंत्रक है, याद रखिएगा। सीजीए जो है सोमा राय वर्मन है और सीएजी जो है गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, कैग का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, सीजीए का मतलब होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट होता है। ठीक है, महालेखा नियंत्रक अभी जो प्रेजेंट टाइम में है सोमा राय वर्मन है। नेक्स्ट देखिएगा सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में। ठीक है, तो सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के अंतर्गत यह है सर्वोच्च सेनापति, वायुसेना के अध्यक्ष, नौसेना के अध्यक्ष, थल सेना के अध्यक्ष और सीडीएस और डीजीएमओ। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले सर्वोच्च सेनापति। अभी भारत के सर्वोच्च सेनापति जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। याद रखिएगा जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं और अभी प्रेजेंट टाइम पे रामनाथ कोविंद है। नेक्स्ट है वायुसेना अध्यक्ष, भारत के अभी प्रेजेंट टाइम पे वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया है। याद रखिएगा वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया है और ये 26वां वायुसेना अध्यक्ष बने हैं। याद रखिएगा 26वां वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नौसेना अध्यक्ष। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह बने हैं। याद रखिएगा भारत के नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह है और 24वां सेना अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा थल सेना अध्यक्ष। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे बने हैं। ठीक है, थल सेना अध्यक्ष कौन है, भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे बने हैं और ये 28वां बने हैं। 28वां थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत बने हैं। ठीक है, बिपिन रावत कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, नेक्स्ट है डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, ये कौन है, जनरल परमजीत सिंह। याद रखिएगा डीजीएमओ जो है जनरल परमजीत सिंह है और डीजीएमओ का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस कौन है, जनरल परमजीत सिंह। ठीक है, और सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, बिपिन रावत। ठीक है, एक बार फिर से इसलिए से आप इसको रिवाइज कराते हैं, ध्यान से देखिएगा भारत के राष्ट्रपति कौन है, श्री रामनाथ कोविंद है। याद रखिएगा ये 14वां है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कौन है, एम वेंकैया नायडू है जो 13वां उपराष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी है और ये 15वां प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट देखिएगा न्यायिक प्रमुख, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय कौन, शरद अरविंद बोबड़े है। याद रखिएगा ये 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं सर्वोच्च न्यायालय के। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, शरद अरविंद बोबड़े है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, के वेणुगोपाल है। के वेणुगोपाल कौन है, भारत के महान्यायवादी है। नेक्स्ट देखिएगा महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता। याद रखिएगा तुषार मेहता क्या है, भारत के महाधिवक्ता है। नेक्स्ट देखिएगा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, आदर्श कुमार गोयल है। याद रखिएगा भारत के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा संसदीय प्रमुख, सभापति राज्यसभा के कौन है, एम वेंकैया नायडू है। राज्यसभा का सभापति कौन है, एम वेंकैया नायडू याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए राज्यसभा का उपसभापति जो है हरिवंश नारायण सिंह है। हरिवंश नारायण सिंह क्या है, उपसभापति है राज्यसभा का। नेक्स्ट देखिए महासचिव, राज्यसभा का महासचिव कौन है, देश दीपक वर्मा है। ठीक है, देश दीपक वर्मा क्या है, राज्यसभा के महासचिव है। नेक्स्ट देखिएगा राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है, गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद कौन है, राज्यसभा में नेता विपक्ष के। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा नेता सत्तापक्ष, राज्यसभा में नेता सत्तापक्ष जो है थावरचंद गहलोत है। थावरचंद गहलोत क्या है,
राज्यसभा में नेता सत्तापक्ष के हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा के 17वीं अध्यक्ष कौन बने हैं? ओम बिरला। याद रखिएगा, 17वीं अध्यक्ष लोकसभा के कौन बने हैं? ओम बिरला। नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा में नेता विपक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा के महासचिव कौन बनी है? राइट आंसर है सनेलता श्रीवास्तव। सनेलता श्रीवास्तव क्या बनी है? लोकसभा के महासचिव। याद रखिएगा, ये पहली महिला महासचिव बनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा है। याद रखिएगा, ये 23वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। सुनील अरोड़ा क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग के अंतर्गत दो लोग हैं, राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। राजीव कुमार और सुशील चंद्रा क्या है? चुनाव आयुक्त है। नेक्स्ट देखिएगा, उपचुनाव आयुक्त, उपचुनाव आयुक्त कौन कौन है? उमेश सिंह, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन। ये तीनों क्या है? उपचुनाव आयुक्त है। सुदीप जैन, चंद्रभूषण कुमार, उमेश सिंह क्या है? उपचुनाव आयुक्त है। नेक्स्ट देखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या है? इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये 14वां है, 14वां क्या कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, महालेखा नियंत्रक, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन बने हैं? सोमा राय वर्मन। सोमा राय वर्मन क्या है? महालेखा नियंत्रक या सीजीए है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, सर्व सेनापति कौन है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट देखिएगा, वायुसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष कौन है? एयर मार्शल आर के एस भदौरिया। 24वां वायुसेना अध्यक्ष बने हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। 24वां नौसेना अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, थल सेना अध्यक्ष, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं, जो 28वां थल सेना अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। याद रखिएगा, इसका पूरा नाम, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? बिपिन रावत। बिपिन रावत क्या बने हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट देखिएगा, डीजीएमओ कौन बने हैं? जनरल परमजीत सिंह। डीजीएमओ का पूरा नाम याद रखिएगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस कौन है? जनरल परमजीत सिंह।